ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भौतिकता में पांच तत्वों में क्या है? हलचल। और पांच तत्वों से बनी हुई चीजें हमारे जीवन में जब महत्वपूर्ण बन जाती हैं तो वो हमें भी हलचल में ले आती हैं। इसलिए अगर हम परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा एक शाश्वत और अनंत और स्थिर चीज है, उसके अंदर कभी हलचल नहीं होती, अस्थिरता नहीं होती। आप ऐसे देखिए, किसी भी मनुष्य को आप याद करते हैं या किसी से अपनी समस्या शेयर करके शांति का अनुभव करते हैं, अब व्यक्ति वही समस्या में हो तो आप अगर उस अपनी समस्या उसके सामने लेके जाएंगे तो वो यही कहेगा या सुनता हुआ भी नहीं सुनेगा, तो आपको लगेगा लो इतने तो हम उससे इनके पास समस्या अपनी लेके आए लेकिन इन्होंने सुनी भी नहीं हमारी। तो परमात्मा स्थिर बुद्धि होने की वजह से जब हम उसे याद करते हैं तो गुण और शक्तियाँ, अगर हमारा कनेक्शन ठीक है तो हमारे अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे कंप्यूटर में ही कोई चीज़ ना हो तो हम क्या कहते हैं, इसको डाउनलोड कर लो, इस चीज़ को दूसरे से डाल लो। तो ऐसे ही हमारे अंदर कोई चीज़ की कमी है तो हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर डाउनलोड हो जाती है, यानी हमारे अंदर वो चीज़ आने लगती है। तो उसकी याद में इतनी स्थिरता है कि वो हमारी हलचल बुद्धि को भी स्थिर कर सकती है, और मनुष्यों की याद हमें हलचल में लाती है। ये फ़र्क है पांच तत्वों के बने हुए शरीर को याद करने से, आत्मा को याद करने से और परमात्मा को याद करने से फ़र्क है। क्योंकि आत्माओं में हलचल होती है तो हम अगर उन्हें याद करेंगे तो हम स्थिर नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा चूँकि स्थिर बुद्धि है उसके अंदर कोई हलचल नहीं है तो हम जब उसे याद करते हैं तो वही स्थिरता मन में आने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो योगी होते हैं उनका मन स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तभी तो कहा गया कि परमात्मा को याद करो मन एकाग्र हो। घर में कुछ नया काम करते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान को याद करके करो। क्यों ये सब सिस्टम बना है? ये सब सिस्टम होने का कारण यही है कि परमात्मा को याद करने से बुद्धि स्थिर होती है, और जब बुद्धि स्थिर होती है तो हम जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है। घर से बाहर निकलने के समय भी कहा जाता है कि भगवान को याद करके निकलो, तो उसका कारण यही है कि जब हम उसे याद करते हैं तो उसकी पावर हमारे में ट्रांसफ़र होती है, वो स्थिरता, वो सुख शांति हमारे अंदर जागृत होती है। और जब वो चीज़ हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जहाँ हमें सफलता पानी है, जिसके लिए हम जा रहे हैं, तो वो सफलता हमें मिलती है। ये हमारा खुद का अनुभव है। तो ऐसे हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर हर परेशानी को, हर बात में अपने को सफलता अनुभव कर सकते हैं कि मैं एक सफलता मूर्त आत्मा हूँ।